तेज खबर 24 में इस वक्त आगजनी की बड़ी खबर आ रही है, जहां घर में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। दरअसल यह खबर जबलपुर के बाई का बगीचा इलाके में रामकृष्ण स्कूल के समीप की बताई जा रही है, जहां रहने वाले पुनीत विश्वकर्मा के मकान में देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे घर को चपेट में ले लिया और घर में लगे एयर कंडीशनर्स और गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। घटना की खबर तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल के लगभग आधा दर्जन वाहन सहित दमकल कर्मी घटना स्थल पहुंच गए और आग को काबू में करने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन भीषण आग को काबू करने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि पुनीत विश्वकर्मा के मकान में फर्नीचर बनाने का काम होता था और आग पहले फर्नीचर में लगी, जिसके बाद धीरे धीरे आग फैल गई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रखा सामान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने करीब एक दर्जन दमकल वाहनों की मदद लेकर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में सफलता हासिल की। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इस अग्नि हादसे में लाखों के सामान का नुकसान होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। फिलहाल अग्नि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस अग्निकांड से घंटों तक क्षेत्र में हड़कंप और दहशत का माहौल निर्मित रहा। घटना की खबर लगते ही जनप्रतिनिधि, पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। टेरेस पे ही था मैं और देखा मैं इंसिडेंटली एकदम से धुआं आ रहा था। सामने फर्नीचर रखा हुआ था बाजू वालों के घर में, तो वहाँ पे कुछ फायरिंग वगैरह हुई है, स्पार्कल हुआ थोड़ा सा, उस वजह से पूरी आग पकड़ ली उसने। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने आवाज़ लगाना चालू करा लोगों को और चिल्लाया, और उसके बाद सब लोग नीचे आने लगे। बस नॉर्मल नहीं हुआ। किस चीज़ का गोदाम है? गोदाम नहीं है, यहाँ पे घर ही है, बट फर्नीचर रखा हुआ था। अच्छा, क्या नाम है जिसकी आग लगी? विश्वकर्मा। और आपका? मेरा अभय सिंह ठाकुर। विश्वकर्मा है, पार्षद परिवार के घर के सामने, पार्षद निवास के घर के सामने का घर है। अचानक शॉर्ट सर्किट से एक आग लगी, जिसमें लगभग 4-5 सिलेंडर फस्ट हुए और इमीडिएट पार्षद परिवार के लोग और पार्षद लोग और मंत्री क्षेत्रीय लोग ने इकट्ठे होकर के उस आग को बुझाने का प्रयास किया। हम लोग अभी सारे लोग इकट्ठे हैं। हम लोग ने तत्काल में फायर ब्रिगेड, तत्काल में नगर निगम, तत्काल में पुलिस प्रशासन ने आकर के इसमें सहयोग किया और अभी स्थिति ये है कि लगभग आग में काबू पा लिया गया है और कोई भी कैजुअल्टी अभी तक नहीं हुई है, मतलब ह्यूमन कैजुअल्टी कोई भी नहीं हुई है। जो भी व्यक्तिगत नुकसान है, परिवार का नुकसान है, वो हुआ होगा, लेकिन अभी अभी फिलहाल नगर निगम ने बहुत अच्छा प्रयास किया, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और हमारे मंत्री जी परिवार से जय गनगोरिया भैया भी उपस्थित हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं पार्षद परिवार की तरफ से भी उपस्थित हूँ और सारे क्षेत्रीय लोगों ने इसमें अपना सहयोग दे करके बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और इस आग को काबू में पा लिया। कितनी गाड़ी आई होगी? लगभग 12 गाड़ी अभी तक आ चुकी है, लगभग 12 गाड़ी। नुकसान की कितना आशंका हुई? नुकसान की तो मैं बता नहीं सकता जब तक परिवार के लोग नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग 5-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा संपन्न परिवार था और लगभग 5-7 सिलेंडर और लगभग एक पूरा परिवार का जो फर्नीचर, घर की गृहस्थी का सामान है, वो इसमें जलकर नष्ट हो गया।